मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल में हम लोग क्या पढ़े थे, कार्नट साइकिल एक इम्प्रैक्टिकल साइकिल है जो प्रैक्टिकली साइकिल नहीं है, लेकिन रैंकाइन साइकिल एक क्या है, प्रैक्टिकली साइकिल। और हम लोग क्या ये वेपर पावर साइकिल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज डेट 23/7/2020 और ये क्या है, पीके नाग का बुक ली, पीके नाग का क्वेश्चन ली गई। स्टीम एट 20 बार मींस स्टीम जो है, स्टीम मींस क्या, वेपर जो है वो 20 बार प्रेशर पे है और 360 डिग्री ई एक्सपेंडेड और वो एक्सपेंड किया गया है 360 डिग्री सेल्सियस पर। कनेक्ट मींस क्या है, एक्सपेंडेड इन ए स्टीम टरबाइन, टरबाइन में 2.08 बार और ये कहां तक गया है, 0.08 बार तक गया है। मींस ये आप जानते भी हैं, ये रैंकाइन साइकिल होगा है, टीजे डायग्राम आप बता भी चुके हैं, प्योर सब्सटेंस में ऐसा कुछ हम लोग पढ़े भी थे। तो इसमें ये क्या था, टरबाइन है, टरबाइन जो क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसर होता है, आप जानते भी हैं टरबाइन क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होता है और 1 से 2 यहाँ एक्सपेंड होता है। स्टीम का एक्सपेंड हम लोग यहीं पे करते हैं, यर स्टीम एक्सपेंड, यर स्टीम एक्सपेंड, एक्सपेंड होता है और कहां तक होता है, 0.08 बार तक, मीन्स 0.08 बार तक, मीन्स हाई प्रेशर, ये 20 बार क्या है, हाई प्रेशर है, ये क्या 0.08 बार क्या है, लो प्रेशर है, मीन्स 20 बार से 0.08 बार तक हम लोग आए। तो कह सकते हैं कि प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यदि प्रेशर डिक्रीज होता है तो वर्क क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ऐसा हम लोग जानते भी है। और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, मींस 4 से 1 में तक क्या होता है, प्रेशर हम लोग क्या है, कांस्टेंट होता है। और ये क्या है, बॉयलर होता है, ये बॉयलर है, इसी बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, क्यू इन सप्लाई करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर जो है स्टीम के रूप में आ सके। और 2 से 3 क्या है, कंडेंसर है, मींस कंडेंसर मींस क्या, यहाँ पे स्टीम को सेचुरेटेड लिक्विड में लाते हैं। देखिए यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ तो टरबाइन, यहाँ से सेचुरेटेड लिक्विड, ये क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, आप जानते भी हैं, सॉलिड प्योर सब्सटेंस में स्टडी करवा चुका हूं, ये क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये जानते भी हम लोग हैं। और यह क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे सेचुरेटेड लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट किए, वेयर इट इज कंडेंस्ड टू सेचुरेटेड लिक्विड वाटर, सेचुरेटेड लिक्विड वाटर लाइन है। अब द पंप फीड्स बैक द वाटर इनटू अ, फिर से वो क्या, टरबाइन में पंप की सहायता से, ये क्या है, पंप है, इस पंप की सहायता से फिर से हम लोग कहां पहुंचे, बॉयलर में जाएंगे, अब बॉयलर से फिर से लोग टरबाइन जाएंगे। अब देखिए क्या निकालना है, एज्यूमिंग माना गया है, आइडियल प्रोसेस है, ये आइडियल है, फाइंड पर केजी ऑफ स्टीम द नेट वर्क एंड साइकिल इफिशियंसी, नेट वर्क क्या होगा और साइकिल इफिशियंसी क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो नेट वर्क क्या होगा, जितना टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और जितना पंप वर्क को ले रहा है, आप जानते भी हैं पंप क्या होता है, वर्क कंज्यूमर, कंज्यूमर डिवाइस होता है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है, ये वर्क क्या करता है, कंज्यूम करता है। और यही क्या है, जब प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों को माइनस कर देंगे तो डब्ल्यू नेट निकल जाएगा, तो डब्ल्यू नेट बराबर होगा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पंप, और डब्ल्यू टी क्या होगा, H1 minus H2, वर्क पंप क्या होगा, H4 minus H3। यदि H1, H2, H3, H4 निकल जाए तो हम लोग कह सकते हैं W net आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और साइकिल इफिशियंसी देखिए क्या होता है, साइकिल इफिशियंसी ये बी नंबर क्वेश्चन है, साइकिल इफिशियंसी होता है W net by Q in होता है, W net by Q in, W net यहां से निकल जाएगा,
तो यहाँ साइकिल इफिशियंसी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाय कितना, एच वन माइनस एच फोर, यहां से क्या निकल जाएगा, साइकिल इफिशियंसी निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एच वन एच टू एच थ्री और एच फोर कैसे निकालते हैं, वो हम लोग विस्तार से स्टडी करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, कंडीशन है वन है, ये पॉइंट हम लोग अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पॉइंट वन जो है ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, आप जानते भी हैं ये क्या होता है, सेचुरेटेड वेपर लाइन होता है। सेचुरेटेड वेपर लाइन तो बता चुके हैं सॉलिड प्योर सब्सटेंस में हम लोग, तो ये वन पॉइंट जो है सेचुरेटेड वेपर लाइन पे है या सुपर हीटेड जोन में है या सेचुरेटेड लिक्विड और वेपर लाइन के बीच में, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। जैसे हम लोग ये डायग्राम बना दिए, इसको लेके चले गए सुपर हीटेड जोन, हम जानते हैं ये जोन क्या है, सुपर हीटेड जोन है, और ये क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। तो वही कहने मिस क्या है, सबसे पहले वो चेक करेंगे वन जो पॉइंट है सेचुरेटेड वेपर पे है या सुपर जोन में है, सुपर हीटेड जोन में है या फेज ट्रांसफॉर्मेशन जोन इस जोन में है, चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां दिया हुआ है 20 bar पे टेम्परेचर दे दिया है 360 डिग्री सेल्सियस, तो चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर होगा 20 bar पे, मीन्स सेचुरेटेड वेपर लाइन पर जाके देखेंगे, सेचुरेटेड जाके देखना है, सेचुरेटेड देखना है। तो यदि 20 bar पर सेचुरेटेड टेम्परेचर ज्ञात हो जाता है, 20 bar पर सेचुरेटेड टेम्परेचर ज्ञात हो जाता है, उस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। यदि सेचुरेटेड टेम्परेचर जो है लेस देन हो जाए, मीन्स सेचुरेटेड टेम्परेचर कम हो जाए 360 डिग्री सेल्सियस से, हम लोग कह सकते हैं क्या, सुपर हीटेड जोन हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या, एक पॉइंट लिखते हैं, इफ टी सेचुरेटेड क्या है, ग्रेटर देन हो जाए तो क्या होगा, 360 से देन, तो 360 एग्जिस्ट बिटवीन, 360 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट बिटवीन द सेचुरेटेड वेपर एंड सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ऐसा हो सकता है, या टी सेचुरेटेड इक्वल हो जाए किसके, गिवेन टेम्परेचर का, तो क्या होगा, ऑन द सेचुरेटेड वेपर लाइन होगा, सेचुरेटेड वेपर लाइन होगा। सेचुरेटेड वेपर लाइन होगा, तो देखिए सबसे पहले चेक करेंगे 360 डिग्री है क्या, तो देखिए स्टीम वही लिखे, फाइंड वी चेक पॉइंट वन इज सुपर हीटेड और सेचुरेटेड रीजन, किस रीजन में वो है वो चेक करेंगे। तो गिवेन डाटा दिया है प्रेशर 20 bar, टेम्परेचर दिया है 360 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए क्या है, प्रिडिक्ट टेबल कैसे देखते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पीके नाग बुक के पीछे में दिया हुआ है, पीके नाग बुक का पीछे में दिया हुआ, देखिए स्टीम टेबल यहां क्लियर देखिए मेंशन है, स्टीम टेबल यहां देखिए सेचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर टेबल है, सेचुरेटेड स्टीम आपको मैंने प्योर सब्सटेंस स्टीम और वेपर बता चुके हैं, स्टीम 100% यूज होता है इसके वाटर वेपर के लिए, और सिर्फ वेपर बोलता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का वेपर वेपर कहलाता है, लेकिन स्टीम है इसका मतलब वाटर है, ये टेम्परेचर टेबल डायग्राम है। तो यहाँ देखना है प्रेशर लिया गया 20 bar पे, तो प्रेशर टेबल चूंकि ये टेम्परेचर टेबल है तो टेम्परेचर टेबल नहीं लेंगे, प्रेशर टेबल हम लोग लेंगे। आइए देखते हैं प्रेशर टेबल कहाँ पे, देखिए यहाँ क्लियर मेंशन है, देखिए क्या है, सेचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, देखिए क्लियर मेंशन है, सेचुरेटेड वेपर सेचुरेटेड वाटर स्टीम टेबल,
तो देखिए यहाँ प्रेशर मेगा पास्कल दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस भी एफ दिया, देखिए दिया हुआ, प्योर सब्सटेंस भी एफ बता चुके हैं, ओनली फॉर लिक्विड एग्जिस्ट, गैस ओनली बोथ एग्जिस्ट, ऐसा पूरा देखिए लिखा हुआ है। तो प्रेशर दिया हुआ है कितना, देखिए आपको मेगा पास्कल दिया हुआ है, लेकिन आपको दिया किसमें, बार में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बार को कन्वर्ट करेंगे मेगा पास्कल में। तो 1 bar बराबर देखिए कितना होता है, 10^5 पास्कल होता है, 1 MPa बराबर 10^6 होता है। तो कह सकते हैं 1 bar इक्वल टू कितना, 0.1 MPa होगा, कितना होगा, 0.1 MPa होगा। अब 20 bar मीन्स क्या, 2 MPa मीन्स प्रिडिक्टेबल, देखेंगे 2 MPa देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ क्लियर देखिए मेंशन है ना, देखिए सेचुरेटेड जाएंगे हम लोग, सेचुरेटेड में जाए चेक करेंगे 2 MPa दिया हुआ है, 2 MPa पे देखिए टेम्परेचर कितना है, 212.42 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का क्या है, प्रेशर टेबल जाना है, स्टीम टेबल जाना है, 2 MPa या 20 bar जाना है, टी सेचुरेटेड दिया है 212.42 डिग्री सेल्सियस। तो T1 जो गिवन डाटा जो है ग्रेटर है टी से, हेंस आवर गिवन टेम्परेचर इज इन सुपरहीटेड स्टेट, मीन हमारा जो टेम्परेचर दिया है 360 डिग्री सेल्सियस वो क्या है, सुपरहीटेड जोन में एग्जिस्ट करेगा, किस जोन में एग्जिस्ट करेगा, सुपरहीटेड जोन में एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टीम टेबल में सुपरहीटेड जोन आई उसकी जस्ट आगे देखिएगा, जस्ट देखिए उसके आगे सुपर हीटेड जोन मिलेगा, देखिए दिया हुआ है क्लियर, क्या सुपर हीटेड जोन देखिए दिया हुआ है, A1.3 टेबल, सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड में जाना है, समझ लीजिए दिया हुआ है। अब सुपर हीटेड में देना है कितना, 2 MPa देखिए देना है, देखिए कहां, देखिए 1 MPa, 1.2 MPa, 1.4 MPa, 1.6, 1.8, 2 MPa देखिए दिया हुआ है, 2 MPa देखिए क्लियर मेंशन है, 2 MPa 212 दिया हुआ है, ये सेचुरेटेड दिया हुआ है। तो आपको जाना है टेम्परेचर कहाँ पे, 360 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ देखिए दिया हुआ है टेम्परेचर 225, 250, 300, 350, 400, क्या 360 कहीं पे है, 360 कहीं पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 निकालने का कोशिश करेंगे, कैसे करते हैं, देखिए 350 पे जाकर देखिए इस एंथैल्पी में, देखिए दिया हुआ एंथैल्पी कहाँ पे है, सेकंड लास्ट में देखिए एच दिया हुआ, तो कहाँ जाना है 350, देखिए कहा 31-37 है, और 300 400 देखिए कितना है 32-47, 31-37 32-47 देखिए, देखिए एंड क्लियर मेंशन। तो देखिए वही हम लोग करेंगे, इंटरपोलेशन से हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते, देखिए 400 डिग्री सेल्सियस पे इंथल्पी दिया हुआ है कितना 32-47 अच्छे दिया हुआ था, 350 पे दिया था 31-37.0 है, 360 पे निकालना है। तो इसमें हम लोग इंटरपोलेशन मेथड लगाएंगे, मेथड लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, 100 400 - 360 / 400 का इंथल्पी 400 / 360 / 400 - 350, तो 400 पे पहले 400 पे इंथल्पी ले लेंगे इतना, 300 - 360 है, 360 पे इंथल्पी नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे x 400 - 350, 400 - देखिए इसका क्रोस्पोंडिंग ये इंथल्पी, इसकी क्रोस्पोंडिंग ये इंथल्पी दे दिया है। जब इसको हल कीजिएगा x का मान हो जाएगा 31.59 kg/kg, ये दे दिया। तो H1 का देखिए वैल्यू निकल गया 31.59 kg/kg पर केजी दे दिया है। अब देखिए क्या है, H2 के लिए निकालेंगे, हम लोग जानते भी हैं क्या, ये जो लाइन देखिए है इंट्रोपी कांस्टेंट लाइन है, मीन जितना इंट्रोपी यहां पे होगा उतना ही इंट्रोपी यहाँ पे होगा। तो सुपरहीटेड जोन 20 डिग्री सेल्सियस 20 bar पे या 2 MPa पे 360 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग निकाल लेंगे क्या, इंट्रोपी निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जानते भी है ऐसे
करा भी चुके हैं। टरबाइन क्या होता है, जनरली वर्क ऑन द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। चलिए निकालते हैं एस वन बराबर क्या होगा, एस टू के बराबर एंट्रोपी कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। अब आगे देखिए, क्योंकि 360 डिग्री तो सुपर हीटेड में दिया हुआ नहीं है, वहां भी इंटरपोलेशन निकालेंगे। तो देखिए 2 मेगा पास्कल लिया गया है, कितना टेम्परेचर पे 350 और 304 सॉरी 350 और 400 लिया हुआ इंट्रोपी ले लिया। देखिए दिया हुआ इंट्रोपी यानी इंट्रोपी, इसका हो जाएगा 6.9562, इसका हो जाएगा 7.12, ये दोनों के बीच में होगा 360 कहीं पे भी होगा तो कैसे निकलेगा इंट्रोपी देखिए। तो वही इंटरपोलेशन मेथड लगाए, 400 पे ये ले लिए, 350 में लोग ये ले लिए और 360 पे ये एक्स मान लेंगे। वही 400 माइनस 360 किए, 400 माइनस 350 किए, इसका वैल्यू इंट्रोपी का यहाँ दे दिए और इसका वैल्यू इंट्रोपी यहाँ दे दिए, सेम यही प्रोसेस हम लोग किए। यहाँ एक्स निकल गया तो यहाँ पे इंट्रोपी का वैल्यू निकल गया, मीन्स एस वन आपका कैलकुलेट हो गया। आप जानते भी हैं एस वन बराबर क्या होता है, एस टू का होता है। तो एस टू 80.08 बार पे देखेंगे, मीन 0.008 मेगा पास्कल देखेंगे। तो चूंकि एस टू जो है पीके नाग बुक में इस डाटा, ये डाटा नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवेन इन पी के नाग एस्टीम टेबल के पी के नाग में डाटा नहीं दिया हुआ है 0.008 मेगा पास्कल, ये आपका नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं राजपूत बुक की ओर चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। बस आइए पीछे देखिए, कहां पर जाना है 0.0, देखिए यहां बार दिया हुआ, देखिए क्लियर, देखिए मेंशन है राजपूत में, देखिए बार, और अब क्वेश्चन भी किया हुआ दिया है, बार में दिया हुआ, देखिए दिया हुआ मेंशन है, दे दिया है, देखिए क्लियर, देखिए बार में है, यहां देखिए बार, और आपको दिया है देखिए बार 0.08 बार, 0.08 बार हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे ना, देखिए क्या दिया हुआ, देखिए एफ जी एस जी दे दिया, देखिए 8.229 और एस एफ दे दिया है। एस एफ कहाँ होता है आपको बता चुके हैं, सेचुरेटेड किसमें, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पर होता है, और ये था सेचुरेटेड वेपर लाइन पर। तो देखिए सेचुरेटेड वेपर लाइन पर कितना है 8.229, लेकिन हम लोग का एंट्रोपी कितना दिया है वही निकला, देखिए एस टू दिया है किस पे, इस डी पे। तो सुपर हीटेड जोन देखिए क्या है, लेस देन है 0.08 बार से, इसका मतलब क्या है, दोनों का एंट्रोपी डोम रीजन के क्या है, बीच में होगा, मींस एंट्रोपी जो होगा ये जो टू पॉइंट है ये दोनों के सेचुरेटेड वेपर लाइन और सेचुरेटेड लिक्विड लाइन के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए डाटा देखिए दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ देखिए 6.98, लेकिन स्टीम टेबल दिया है कितना, एस जी दे दिया है कितना 0.08 बार पे कितना दे दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं सुपर हीटेड लेस है इससे, इसलिए एस टू इज सेचुरेट लिक्विड लाइन एंड सेचुरेट लाइन इन बिटवीन, मींस सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन के बीच में होगा। तो वहां पे पता चल गया आपका, तो कहने में इसका एस टू सुपर हीटेड इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स इंटू एस एफ जी हो जाएगा। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन है, आपको बता भी चुके थे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, किसमें, प्योर सब्सटेंस में ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो सुपर हीटेड जोन का ये दिया हुआ डाटा है इक्वल टू एस एफ मीन लिक्विड लाइन दिया हुआ है इंटू ये 7.63 दिया हुआ, देखिए क्या क्लियर दिया हुआ, देखिए कितना दिया, देखिए एस 0.593 वही लिया हुआ, देखिए 0.593 यहां से SF निकल जाएगा। जब ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल गया यहां से H2 निकल जाएगा, H2 बराबर क्या होता है HF plus X HFG, और HF देखिए कितना होता है, HF means क्या, saturated, कौन सा line, saturated liquid line, देखिए क्या दिया हुआ, देखिए 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 यहाँ
दिया हुआ ना था, देखिए गौर देखिए बड़ा, एच एफ दे दिया है, एच एफ जी दे दिया है, एच जी दे दिया है, तो चूंकि एच एफ है तो एच एफ वैल्यू पुट करेंगे और एच एफ जी है दी वैल्यू पुट करेंगे, वही हम लोग क्या किया देखिए वैल्यू पुट कर दिए, यहां से क्या निकल गया एच टू निकल गया ना। जब एच टू निकल जाएगा हम लोग का, अब हम लोग आते हैं एच थ्री के ऊपर, चलिए एच थ्री देखिए कैसे निकालते हैं। एच थ्री क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, तो एच थ्री जो है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन का प्रेशर कितना 0.08 बार, और जो हम निकाल चुके थे क्या 173.9 किलो जूल होता है, ये ऐसे निकल गया। तो एच फोर कैसे निकलेगा, तो देखिए डब्ल्यू पंप बराबर होता है एच थ्री माइनस एच फोर, क्या होता है एच थ्री माइनस एच फोर होता है, तो डब्ल्यू पंप देखिए क्या होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए हमने बताए थे किसमें याद कीजिए बेसिक क्लास में, क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है पी इंटू डीवी वर्क, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है पी इंटू डीवी, लेकिन ओपन सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है वी इंटू डीवी, मीन्स ये क्या है पंप है, और आप जानते भी है पंप क्या होता है हम लोग का कौन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, और वर्क ऑफ पंप हो जाएगा वी इंटू डीपी, तो क्या हुआ वी इंटू डीपी हो जाएगा, तो वी का वैल्यू क्या है ये हो गया ना किस में वी एफ में, मीन्स सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, देखिए वी पंप दे दिया क्लियर मेंशन है ना कितना 0.001 दे दिया है, तो वही वैल्यू लोग पुट कर देंगे, प्रेशर डीपी मीन्स प्रेशर 20 बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो पास्कल में, तो 20 इंटू टू ये निकल जाएगा माइनस 0.08 इंटू टू ये निकल जाएगा, माइनस टू कोमा ले लेंगे तो ये निकल जाएगा, तो डब्ल्यू पंप निकल गया ये, तो डब्ल्यू पंप बराबर क्या होता है एच फोर माइनस एच थ्री, ये आप जानते भी है, तो एच फोर निकल जाएगा एच थ्री प्लस एच पी निकल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो एच फोर निकल जाएगा। देखिए आप देखिए एच वन एच टू एच थ्री और एच फोर चारों डाटा क्या है आपको कैलकुलेट हो चुका है, जब चारों डाटा कैलकुलेट हो चुका है तो W नेट क्या होगा, W टरबाइन माने W पंप, W टरबाइन क्या होता है याद कीजिए, W टरबाइन ही क्या हो जाएगा आपको H1 माइनस H2, वही लिखे देखिए हम लोग H1 माइनस H2, पंप क्या होगा H4 माइनस H3, H4 माइनस H3, तो वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए H1 मान दिया हुआ है 31 आंसर दिया हुआ है, वैल्यू ये H निकल जाएगा, तो साइकिल इफिशियंसी देखिए कैसे निकलेगा, साइकिल इफिशियंसी W नेट बाय Q इन होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं आप भी, जब साइकिल इफिशियंसी दे दिया है तो W नेट निकाल चुके थे वहां से, तो H1 माइनस H4 हो गया, देखिए इफिशियंसी निकल गया, तो साइकिल इफिशियंसी निकल गया 32.5% निकल गया। अब देखिए बी में देखिए क्वेश्चन क्या दिया, देखिए If the turbine and pump have each 80% efficient, means turbine जो work कर रहा है और pump जो work कर रही है वो जो है 80% यदि efficiency है, लेकिन अभी तक जो हम लोग कैलकुलेट किए थे हम लोग ये एज्यूम किए थे turbine का efficiency और pump का efficiency दोनों का क्या है 100%, लेकिन अब efficiency चेंज हो गया, इफिशियंसी क्या कर दिया है 80% दोनों का टर्बाइन और दोनों का, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या होता है इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन और पंप 80% मींस इफिशियंसी टर्बाइन 80% पंप भी कितना 80%, तो इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन देखिए क्या होता है इंथैल्पी टर्बाइन W एक्चुअल बाय W क्या होता है रियल होता है, तो W N T कितना हो जाएगा 0.8, W actual by D ideal होगा, W actual कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा ना हल करने के बाद, तो W actual work आपका क्या है देखिए कैलकुलेट हो जाएगा इसका टर्बाइन का, इसका ये है तो टर्बाइन का है निकल गया, देखिए पंप का क्या होगा
डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू आइडियल होता है, डब्ल्यू एक्चुअल होता है, ये फॉर्मूला होता है, जनरली ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। तो डब्ल्यू एक्चुअल पंप क्या क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आइडियल 0.8, एच फोर माइनस एच सी बटा कितना 0.8, इसको हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 175.99 माइनस 73.9 डिवाइडेड हो जाएगा, तो 2.8 वैल्यू क्या करेंगे। और डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू टी एक्चुअल माइनस डब्ल्यू पी एक्चुअल, देख वैल्यू निकल गया, तो प्रोडक्शन डब्ल्यू नेट निकल गया, परसेंटेज कितना रिडक्शन हो गया, जब इफिशियंसी 100% था उसमें देखिए इफिशियंसी कितना दिया हुआ था, डब्ल्यू नेट ये निकला था, जब 100% था वर्क ऑफ टर्बाइन और पंप दोनों का इफिशियंसी, डब्ल्यू नेट ये था, लेकिन जब डब्ल्यू नेट इफिशियंसी 80% हो जाए, 20% घट जाए, तो डब्ल्यू नेट देखिए ये घट गया ना, तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, सिंपल सी बात है, 969.61 माइनस ये हो गया डिवाइडेड 150 हो गया। तो साइकिल इफिशियंसी क्या होगा, डब्ल्यू नेट बाय क्यू इन, तो इस प्रकार से हम लोग डब्ल्यू नेट निकाल देंगे, डब्ल्यू नेट निकल ही चुका है, निकल चुका है, क्यू इन निकाल देंगे, क्यू इन का मान निकालने के बाद वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और आपका क्या है आंसर आ जाएगा। यही क्या था, एक क्वेश्चन था। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ये पीके नाग बुक का लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12.1 में देखिए क्या, डिटरमाइन द वर्क, डिटरमाइन द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस स्टीम एसेंट्रोपिकली फ्रॉम 1 bar to 10 bar एज्यूमिंग दैट एट द इनिशियल state the steam exist as saturated liquid, b में क्या होगा saturated vapor, neglecting change इन कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्राइव फ्रॉम द एग्जांपल, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्राइव फ्रॉम दिस एग्जांपल। देखिए देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले टी एस डायग्राम हम लोग क्या करते हैं पहले बता देते हैं, ये हो गया टी एस डायग्राम,
देखिए क्या रैंक काइंड साइकिल का, देखिए देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। देखिए क्लियर ही हम मेंशन, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस स्टीम आइसेंट्रोपिकली। कंप्रेस स्टीम आइसेंट्रोप, कंप्रेस किया गया है आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 1 bar to 10 bar, फ्रॉम 1 bar to 10 bar, 1 bar से 10 bar निकाला गया। मीन्स ये क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर है, आप जानते हैं ये क्या है, टरबाइन है, और ये क्या है, बॉयलर है, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट का एडिशन बोलते हैं, क्यू इन, ये क्या होता है, क्यू आउट होता है, ये क्या है, डब्ल्यू पंप होता है, ये क्या है, डब्ल्यू टरबाइन है। मींस ये दे दिया है कितना 20 bar, और ये दे दिया कितना 1 bar दे दिया मेंशन। Assuming that, assume करता है initial state the steam exist, initial state the steam exist, steam exist कर रहा है कहाँ पे, saturated liquid line पर, steam is saturated liquid initially, आप जानते हैं ये क्या है, critical point होता है, यहाँ से यहाँ कौन लगता है, ये होता है saturated liquid लाइन होता है, और यहां से यहां ये क्या होता है, सेचुरेटेड वेपर लाइन होता है। तो सिंपल सी बात ये क्या है, स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन देख दिया, क्या पहला दे दिया क्वेश्चन, स्टीम इज ए सेचुरेटेड लिक्विड इनिशियली। सबसे पहले स्टीम जो है इनिशियल क्या है, इनिशियली स्टीम इज ए सैचुरेटेड लिक्विड, मींस स्टीम कहां पे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, इट्स स्पेसिफिक मींस इस लाइन पे है, इसका स्पेसिफिक वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए क्या है, वी वन निकालेंगे इस लाइन पे है ना, इस लाइन में क्या होता है, वी एफ बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, वी वन बोल सकते हैं, सॉरी वी थ्री बोल सकते हैं, वी थ्री बोल सकते हैं। तो वी थ्री कितना होगा, वी थ्री निकालना पड़ेगा, वो कहां पे, वी थ्री निकालना पड़ेगा या वी एफ निकालना पड़ेगा, 81 bar, 81 bar। तो देखिए स्टीम टेबल में